दोस्तों आप सभी के सामने जो ये नोटिफिकेशन है ये किसके लिए है ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपने स्क्रीन पर देख भी लिया होगा, पहले ही थंबनेल पे आपने देखा होगा कि ये आपको महिलाओं के लिए निकला है दोस्तों। हाँ जी, ये आपको लिए निकला है वुमेन मिलिट्री पुलिस, ठीक है, यानी कि आपको आर्मी में जाने का मौका मिला है और वो भी बिल्कुल आपको जो महिलाएं हैं उनको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। फॉर्म 6 जून से ऑनलाइन हो चुके हैं और 20 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। इसके बाद बात करें, आपकी वैकेंसी है टोटल 100 सोल्जर आपके जनरल के होने, जीडी के होंगे और इन इंडियन आर्मी में, ठीक है, मिलिट्री पुलिस वुमेन। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ पे इसका जो ये वैकेंसी की रैली है वो कहाँ कहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। अम्बाड़ा, लखनऊ, जबलपुर, बेलगम, पुणे और शिलोंग में, इन जगहों पर ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको पूरी डिटेल इसका जो भी क्राइटेरिया जो भी है आपकी पूरी प्रक्रिया मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर कोई फिर भी कोई आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हम बात करने वाले थे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह की, तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ मैं कि यहाँ पे सोल्जर जीडी के लिए जो अप्लाई आपको करना है, आपको एज लिमिट आपको दे रखी है 17.5 से 21 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 1 अक्टूबर 2000 से और 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हाइट की। हाइट की बात करें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट होगी। वेट यहाँ पर दिया नहीं गया है, ठीक है, वहाँ पे हाइट के हिसाब से वेट आपको वहाँ पे नापा जाएगा। उसके बाद में योग्यता आपकी क्लास 10वीं पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, ठीक है, यानी कि 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद में 33% तो पास होने के लिए आपको यहाँ पे मांगते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 45% मार्क्स आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में 10th सिंपल पास, जो ऑल गोरखास और जो नेपालीज एंड इंडियन है उनको आपको सिंपल 10th पास, उनको परसेंटेज नहीं मांगी गई है यहाँ पे। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज। जो आपको छूट मिलेगी वो 30 जो विडोज़ हैं या फिर कोई डिफेंस से मतलब कि जिनको छूट मिली है उनको 30 साल एज उनकी चलेगी। तो यहाँ पे फिजिकल की बात करें दोस्तों तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको यहाँ पे 1600 मीटर की आपकी रनिंग करवाई जाएगी, 1600 मीटर की, और आपको टाइम मिलेगा 7.5 मिनट जो फर्स्ट ग्रुप को और सेकेंड ग्रुप जो है उसको 8 मिनट की। लॉन्ग जंप आपको 10 फिट का करना है, नीड टू क्वालिटी और हाई जंप 3 फिट का यहाँ पे दे रखा है। रीमार्क्स आपको नंबर मिलेंगे इसमें, आपके जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी, देखिए यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है आपकी, तो डॉटर ऑफ सर्विस मैन जो एक्स सर्विस या फिर किसी सर्विस मैन की जो बेटी है या फिर कोई एक्स सर्विस मैन जो रिटायर हो चुका है उसकी है, या फिर वार विडो कोई विधवा है जैसे जिसका मतलब पति आर्मी में था वो वहाँ पे शहीद हो गया तो उनका हो, डॉटर ऑफ विडो एक्स सर्विस मैन, हाँ तो ये यहाँ पर देखिए कोई डॉटर हो विडो एक्स सर्विस मैन की तो यहाँ पर उनको जो है कुछ छूट मिलेगी, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फॉलोइंग रैगजिन 4 cm हाइट, यहाँ पे हाइट वगैरह में कुछ रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में मेडिकल होगा आपका फिजिकल के बाद में, तो मेडिकल आपका फिटनेस होगा सबसे पहले, और जेंडर प्रेगनेंसी ये वगैरह आपको यहाँ पे जाँच की जाएंगी। उसके बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे देख रिटन टेस्ट थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CEE, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे दे रखा है बोनस मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे आपको, ठीक है, जो NCC सर्टिफिकेट वगैरह में या फिर जो एक्स सर्विस मैन वगैरह की बिलोंग करते हैं वहाँ से, तो आपको वहाँ पे उसके बाद मेरिट आएगी आपकी। मेरिट के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, एडमिट यहाँ पे दे रखा है प्रिंटेड विद लेंसर प्रिंटर गुड क्वालिटी पेपर, जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे दे रखा है कि आपका एडमिट कार्ड इस टाइप का चाहिए। फोटोग्राफ होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में क्या क्या लगाना है ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो आपको ये लगाना है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपको जो 10वीं मार्कशीट है, कोई लाइसेंस वगैरह कोई भी जॉब के डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है इनमें से अवेलेबल वो आप लगा दीजिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा लास्ट 6 मंथ का, और अगर मैरिड है तो मैरिड लगाएं, सिंगल बैंक
जो पैन कार्ड वगैरह जो भी है आपका वो यहाँ पे लगाएं, एफिडेविट वगैरह लगाएं, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। तो यहाँ पे दे रखा है आपका, आपका फॉर्म 6 तारीख से चालू हो जाएंगे और उसके बाद में दोस्तों आपकी लास्ट डेट जो 20 जुलाई रहेगी। तो महिलाओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है आर्मी में जाने का दोस्तों।